If it had been sold for rupees 20 more, 20% would have been gained. Okay, what is the cost price of the radio? The cost price of the radio is you have to find. ठीक है, तो आसान सवाल है, ऐसे सवाल हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं. सो आपको क्या दिया है, आपको आप कॉस्ट प्राइस एक्स ले लीजिए. दो कंडीशंस दी हैं आपको, ठीक है, दोनों कंडीशन लिखेंगे. सपोज कॉस्ट प्राइस एक्स है और रेडियो इज सोल्ड, इसको बेचा गया एट अ गेन. गेन कितना है, 16%. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर हो जाएगा एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी, 10% गेन को 110 अपॉन 100 लिखेंगे. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सो एस पी इज इक्वल टू एक्स इंटू 110 अपॉन 100. ओके, अच्छा दूसरे वाले केस में इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज 20 मोर. ओके, 20 मोर, सो 20% वुड हैव बीन गेन्ड. ओके, समझ में आ रहा है. सी पी विल गोइंग टू बी सेम इन दिस कंडीशन ऑल्सो, सी पी विल बी एक्स. ओके, और गेन कितना है यहाँ पर, गेन इज 20% गेन करना है हमें. और यहाँ से जो एस पी आ जाएगा, एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी एक्स, 20% 120 अपॉन 100. एंड दिस एस पी, सपोज दिस इज एस पी वन ऑफ कंडीशन वन, दिस इज एस पी टू. ये जो एस पी टू है वो एस पी वन से 20 ज़्यादा है. ओके, सो इफ आई डू एस पी टू माइनस एस पी वन, डिफरेंस विल बी 20. साफ साफ कह रहा है ना आपसे. ओके, अगर उसको मैं 20 रुपये ज़्यादा में बेचूंगा तो 20% का मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो 20% के प्रॉफिट के हिसाब से मैंने एसपी निकाला और ये एसपी 20 रुपीज़ ज़्यादा होगा पहले वाले एसपी से बस. तो दिस विल बी 120x अपॉन 100 माइनस 110x अपॉन 100 इज इक्वल टू 20. ठीक है, वेरी इजी. तो 100 100 एलसीएम विल बी, एलसीएम तो सेम ही रहेगा. ओके, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ. एलसीएम विल बी 100 ओनली. ऊपर आ जाएगा 120x माइनस 110x विल गोइंग टू गिव मी 10x इज इक्वल टू 20. ओके, समझ में आ रहा है. 0 से 0 कैंसिल और x की वैल्यू कितनी जाएगी, 200. ओके, अच्छा अच्छा सॉरी, आई हैव डन इट रॉन्ग. इट इज 16% गेन, इट इज 16, आई हैव टेकन 10%, सॉरी. ठीक है, इट इज 16%. ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं. सो दिस विल गोइंग टू बी 116, हाँ सॉरी, सो 116, ये 116 है और दूसरा वाला तो 20% ही है. ठीक है, सो दिस विल गोइंग टू बी 116. ओके, सो 120 माइनस 116 विल गोइंग टू गिव मी 4x. ओके, 4x, तो इसको अगले पेज में कर लेते हैं. ठीक है, लेट्स डू इट इन नेक्स्ट पेज. सो 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 20. ओके, सो x विल गोइंग टू बी 20 इंटू 100 अपॉन 4, 4 5 20, सो x विल बी इज इक्वल टू 500 रुपीज़. ठीक है, तो cp कितना जाएगा, 500 रुपीज़. ठीक है, तो 16 ना लेते हुए आई हैव टेकन 10%. ठीक है, ओके, बट इट्स 16%. वेरी गुड. सो दिस आर फ्यू सिंपल क्वेश्चंस.